Hi guys, welcome to the Viper Study Channel, which is a part of an academy. So, आज आप लोगों को छोटा सा सेशन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है. आप में से बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा भी था कि मैम क्या अन अकेडमी में कोई नया बैच आ रहा है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, ये जो पेंडेमिक का समय चल रहा है, आप भी जानते हैं और ये चीज़ हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए. तो उसी के लिए अन अकेडमी ने स्टार्ट किया है आपके लिए एक नया बैच, ताकि आप घर पे बैठ के अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर पाएँ. ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कौन से एग्ज़ाम के लिए है, कौन कौन से एग्ज़ाम को और ये कवर करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में बता देती हूँ. प्लीज़ सेशन के लिंक को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट बाकी आपके जो फ्रेंड्स होंगे, अगर उनको भी ज़रूरत होगी इस बैच की, तो दे कैन ऑल्सो अवेल दिस बैच. ठीक है, देखिए ये जो बैच है ये आज से स्टार्ट होने जा रहा है, 5th May 2021 से, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर तो मिलेंगे. और आप जानते हैं कि SSC की तैयारी जब आप करना शुरू करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे में अगर आप जीरो हो तो काम चल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो SSC की तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, एनी एग्जामिनेशन, किसी भी स्टेट PSC के अंदर अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, NDA है, CDS है, या फिर UPSI है, दिल्ली पुलिस है, या मतलब कोई भी एग्जामिनेशन, या RO है, या अभी आगे चल के लेखपाल की वैकेंसीज आएंगी, जब भी आएंगी तब आएंगी. बट ये ध्यान रखिएगा कि हर एक सेक्शन में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आपको मालूम है. तो SSC कैटेगरी के अंदर आपके लिए एक नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, आज से वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे, इसके साथ में बाकी जो एजुकेटर्स हैं आप उनके भी क्लास देख पाओगे. आपको अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इन बैचेस के अंदर जो आपको कंटेंट मिलता है वो बायलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और जो एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको बायलिंगुअली पढ़ाते हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे. अब सेकेंड पॉइंट ये आता है कि मैम बैच का नाम क्या है, तो बैच का नाम है संकल्प बैच. इस बैच का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, पेज ओपन होके आएगा, वहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब नाउ, उस पर क्लिक करोगे, अगला पेज ओपन होके आएगा और वहाँ पे आपको टाइम चूज करना है कि कितने टाइम के लिए आप बैच को अवेल करना चाहते हो. खैर वो तो बाद की बात है, पहले इस चीज़ को समझते हैं. देखिए बैच आज से स्टार्ट होगा, ठीक है, आपके सामने टॉप एजुकेटर्स की पिक तो है ही, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे. अब आप कहोगे कि मैम व्हाट अबाउट अदर एजुकेटर्स, तो यहाँ पे आपको अदर्स एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे. ठीक मैम, व्हाट इज़ द अमाउंट, काम की बात तो ये आती है, जब भी किसी दुकान पे हम जाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइस टैग देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई इधर उधर इधर मुंडी उंडी घुमा के देखते हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा लिखा है क्या कि दिस मच इज डिस्काउंटेड ऑन दिस प्रोडक्ट, यही तो देखते हैं ना. तो देखिए यहाँ पे ये जो आपके बैचेस के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से मिलेगी, इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप इस बैच को 6 मंथ के लिए अवेल करते हो, तो देखो यहाँ पे आपका पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम 6 महीने के लिए अवेल कर रहे हैं तो काम चलेगा क्या, पूरा नहीं हो पाएगा. आप भी जानते हो GS इज़ नॉट कि मैंने 2 हफ्ते पढ़ाया, 3 हफ्ते पढ़ाया और कहानी खत्म हो गई. मैथ्स भी ऐसा नहीं है, है ना. तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये बैच अवेल करना है तो पहली चीज़ तो आप 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए इस बैच को अवेल करिएगा, ताकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे वो आपके सारे कवर हो जाएं. अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द अमाउंट, तो 1 साल की जो फ़ी है वो है 6500 और जो 2 साल की फ़ी है वो है 7800. आप कहेंगे मैम ज़्यादा है, एग्जैक्टली ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है. अब आपको क्या करना है, जब आपके सामने पेज ओपन होके आएगा ना, वहाँ पे जब आप टाइम फाइनलाइज करोगे तो नीचे आपसे पूछेगा रेफरल कोड. रेफरल कोड में क्या लिखना है, Kriti10, क्या लिखना है, Kriti10, ठीक है, KRATI और 10 लिखना है, कोई स्पेस नहीं आपको देना है, और वहाँ पे आपको मिलेगा 10% ऑफ. बहुत अच्छी बात है मैम, ये तो सही है यार, बिल्कुल मज़ा आ गया. मैम EMI का ऑफर भी है क्या, जी हाँ बिल्कुल, इसमें आपको EMI का ऑफर भी मिलेगा. लेकिन इसी के साथ में एक और गजब बात वो है, ये वो क्या है, अब जब आप यहाँ पे आके सब्सक्राइब करोगे 1 साल के लिए इस बैच को, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे पाओ, अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे, टीचर्स के साथ में इंटरैक्ट कर पाओगे, डाउट सेशन आपको मिलेगा 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा. यानी कि आपको फ़ी पे करनी है 12 महीने की, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 14 महीने का.
सेम चीज़ है, अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको यहाँ पर जो 4 मंथ लिखा ना, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक वेट कर रहे थे कि ऐसा वाला ऑफ़र फिर कब आएगा, तो वो ऑफ़र अब आपके सामने आ चुका है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, आप इसको टाइम से ज्वाइन कर लो, आज से बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैंने हिस्ट्री पढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, हिस्ट्री के बाद में नया बैच फिर आएगा, फिर इस तरीके से जीएस में चलता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है और वहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। तो अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे फॉलो भी कर लीजिए। राइट, चलिए, अच्छा, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।